मतलबों की टीम है, इसे इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम बोलते हैं, और हम होम मिनिस्ट्री के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, यहाँ पे भेजे गए हैं। यहाँ के जो क्षति नुकसान जो हुआ है इतने बड़े बाढ़ के कारण या फ्लड्स के कारण, लैंडस्लाइड के कारण जो भी है, इसके नुकसान और क्षति का जायज़ा लेने के लिए आए हैं। 8 लोगों की टीम है, हम लीडर हैं और दो भागों में बांट दिए हैं दो टीम को। एक टीम तो इधर आई है कुल्लू मनाली के एरिया में जो डैमेज है, और एक टीम उधर शिमला और किन्नौर की तरफ गई है। जो है हम लोग अपने आपके सहयोग से और इनके एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से जो चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, जो क्षति हुई है नुकसान, उसका असेसमेंट जायज़ा लेकर के बताएंगे उनको, सरकार को बताएंगे कि इतनी क्षति हुई है, उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है सरकार करेगी। वहाँ सब हर जगह रोड पे हुआ है, आपका रोड पे डैमेज है, पानी का ड्रिंकिंग वाटर है सप्लाई, इरिगेशन का है, हाउसेज हैं, रिलीफ कैंप्स जो लगाए हैं, एयर ड्रॉपिंग चल रही है इनकी। सो राहत कार्य, बचाव कार्य, रेस्क्यू सब के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू सब के लिए, हर बिंदु के लिए मुलाकात होगी। अब वो खुद बताएंगे ही, वो तो वहाँ भी डिफरेंट तरह से बताया जाएगा, और उसके बाद हम लोग तो कुछ नहीं, यहाँ से कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे ना, हमारी तो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हमारा अधिकार क्षेत्र यही है कि भाई यहाँ से जा कर के हम जायज़ा लेकर के उनको बताएं, सरकार को रिपोर्ट करें। ये हम तो हमारी टीम बताया ना, दो जगह गई हुई है। एक तो हम मंडी पूरा डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट में जितने जितने जगह पे है, थुनाग से लेकर के बाली चौकी से पंडो नॉलट, फिर यहाँ पे हैं सब जगह। कल शाम को कुल्लू में आए और यहाँ पे कर रहे हैं, अभी तक यहाँ पहुँचे हैं। इनके पूरे रास्ता ये नेशनल हाईवे से देखते हुए जहाँ जहाँ बिछती हुई है नुकसान हुआ, हर जगह नुकसान तो हर जगह ही है, कोई कंपेरिजेबल यहाँ तो एंड है, मतलब द बेस्ट द मोस्ट, सबसे ज़्यादा तो यहीं दिख रहा है मुझे, तो यहीं दिख रहा है। तो कब तक रिपोर्ट सौंपेंगे? रिपोर्ट अभी आपके रिपोर्ट पे निर्भर करता है, आप यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट भी रिपोर्ट हमें देगी भाई। हम आंखों से देख करके सैंपलिंग ही तो कर पा रहे हैं, हर जगह तो जा भी नहीं रहे हैं, सैंपल के बेस पे अब तो देख रहे हैं, देख करके जा रहे हैं। जहाँ से रिपोर्ट जाएगी उसी को आकलन किया जाएगा।